हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सविता कैसे में फिर से स्वागत है। मैंने आज का रेसिपी में तुरई के साथ में बादाम मिलाकर एक डिलीशियस सब्जी बनाया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा रेसिपी। मैंने यहाँ पर आधा किलो तुरई अच्छे से धो के काट लिया है। उसके साथ में दो आलू मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में दो बड़े चम्मच लिया है। जैसे ही तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पर तड़के के लिए जीरा यहाँ पर मैं छोके में डाल दिया है। बड़े साइज के प्याज मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में काट के इसको मैंने फ्राई किया है। मैंने यहाँ पर तुरई को धो के रखा था, उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। तुरई डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला दिया। मिलाने के बाद में इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार और हल्दी आधा चम्मच इसमें डाल के मैंने इसको फिर से मिला दिया। इसको अच्छे से मिलाने के बाद में मैंने एक लीड इसका ऊपर में ढक दिया है। 5 मिनट के बाद में मैंने इसको ढक्कन हटा के इसको मैंने थोड़ा सा एक बार चला लिया है, क्योंकि तुरई बहुत पानी छोड़ता है तो मैं इसको ढक ढक के पकाऊंगी। जैसे ही थोड़ा सा हाफ बॉईल हो जाए, इस पर मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर स्लाइसेस में काट के रखा था, उसको मैंने यहाँ पर डाल के इसको थोड़ा सा मिला दिया। थोड़ा सा मिलाने के बाद में मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट 1 चम्मच और थोड़ा सा मतलब 1.5 चम्मच जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसको मैंने अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें मैंने जीरा का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच इसमें डाला है। किचन किंग मसाला मैंने यहाँ पर छोटी 1/2 चम्मच डाला है। 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने डाला है। सारा पाउडर मसाला यहाँ पर डालने के बाद में मैंने इसको थोड़ा सा मिला दिया है इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर डाला है। सब कुछ मिलाने के बाद में मैंने इसको 7-8 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया है एकदम लो फ्लेम में। थोड़े देर के बाद में मैंने इसका ढक्कन हटा के इसको और एक बार थोड़ा सा मिला दिया। यहाँ पर मैं मैगी मसाला का यूज़ कर रही हूँ। मैगी मसाला जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद में मैं इसको और थोड़ा सा मिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा करी कुक हो रहा है तब तक हम लोग एक तो अच्छे से बादाम का पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मुट्ठी भर बादाम को अच्छे से धो के इसको एक तो स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा करी जो है एकदम से रेडी हो चुका है। इसमें मैं अभी बादाम का पेस्ट मिला देती हूँ। मिलाने के बाद में मैं इसको और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। बीच में मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा नमक यहाँ पर टेस्ट कर ली, क्योंकि मैं सब्जी में थोड़ा सा नमक कम ही डालती हूँ। बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो मैं नमक डालती हूँ। आप लोग नमक चाहे अपना स्वाद अनुसार यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि मैं अपना बेटा को घर का जो भी सब्जी बनाती हूँ मैं उसको खिलाती हूँ, इसलिए मैं पहले चिल्ली नहीं डालती हूँ, सिर्फ कश्मीरी चिल्ली पाउडर डालती हूँ। उसके बाद में जब सब्जी बन जाता है तो मैं ग्रीन चिल्ली का या तो फिर चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आखिरी में 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाला है, इसको मैं थोड़ा सा मिला दिया है। मिलाने के बाद में मैं यहाँ पर धनिया पत्ता का यूज़ कर रही हूँ। धनिया पत्ता छोटा छोटा बारीक काट के इसके ऊपर मैं गार्निश कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ तुरई और बादाम से डिलीशियस सब्जी बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया दिख रहा है, और खाने में भी एक्चुअली ये बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी इसको इस प्रकार एक बार बना के खाइए, घर में सबको खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं और एक प्यारे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।